यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत के आत्मीय धड़कन शुरू करते हैं गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो सेमीफाइनल राउंड पावर्ड बाय फेडरल बैंक, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, को पावर्ड बाय उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, सपोर्टेड बाय रियान इंटरनेशनल एंड सेंट मेरीज चैंपियन स्कूल। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं रायपुर की आभा गरिमा एक्का का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कैसा लग रहा है आपको दोबारा इस मंच पे परफॉर्म करके?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रेट, तो क्या लगता है जजेस को आपको परफॉर्मेंस पसंद आया होगा? ये मैं कैसे बोलूँ, वो तो जजेस ही मुझे बताएंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चन करती हूँ कि पिछली बार जैसा जजेस ने आपको जो चीज़ें बताई थी, क्या आपने उस पर इस बार काम किया है और आपको लगता है कि वो चीज़ें आपने सुधारी हैं? पिछली बार मेरी वॉइस पे बहुत ज़्यादा वो कंपन होता था, तो मैंने कोशिश किया है उसे थोड़ा सा कम करने का। तो आइए जजेस से ही पूछते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे वैशाली ताई आपसे, आपकी क्या राय है गरिमा के परफॉर्मेंस के बारे में? गरिमा, आज का आपका परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा जैसी मेरी उम्मीद थी आपसे। कुछ तो मिसिंग था, शायद आपको भी लगा हो, और कहीं पर कुछ सुर जा रहे थे और कहीं प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मुझे खटका, मतलब कानों को। वही जो मैं सबको कह रही हूँ और आपको भी कहती हूँ कि शब्दों को लेकर, भाषा को लेकर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। खुदा होता है, आपने खुदा, खुद, इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर थोड़ा काम करना ज़रूरी है। और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर सकती हो, मेहनत अगर आप ईमानदारी से करें और ईमानदारी से सीखें तो। आवाज़ प्रभु का हमको एक वरदान होता है, एक देन होती है, उसको तराशना और उसके ऊपर काम करते रहना ये हमारा फ़र्ज होता है यदि हम म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं तो। शायद आप इस बात को समझेंगी मेरी और मेरी इस बात पर काम ज़रूर करेंगी। और आपके आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से प्रोत्साहन के साथ 7 points। थैंक यू सो मच वैशाली सर। और आइए अब पूछते हैं प्रदीप सर से उनकी राय। गरिमा, आपने जो गीत चुना है वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है, लिरिक्स अच्छे हैं। जैसा कि मैम ने कहा, आप थोड़ा सा फुल कॉन्फिडेंट नहीं हैं, है ना? Yes. दिख रहा था, और मेहनत की आवश्यकता है, करके आना चाहिए था आपको, क्योंकि ये सेमीफाइनल है ना, इसके बाद जैसा आपको मार्क मिलेगा उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगी या फिर। लेकिन क्या कहें, जो भी आपने आज दिया है, कई सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है और आगे बढ़ना है। आपकी आवाज़ जिस तरह से मैम ने कहा कि बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत आवाज़। आप इसको अगर ट्रेंड कर देंगी ना तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। प्रभु आपको आशीष दें और मेरी शुभकामनाएँ हैं, मेरा आशीर्वाद है। और आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। 7 points। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। और आइए अब जानते हैं हमारे सुरु के सिंगम दीपक सर से उनकी राय। थैंक यू शिफा। गरिमा, आपने अच्छा गाया और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा एक बार फिर से सेमीफाइनल में आने के लिए। थैंक यू सर। आपने अच्छा गाया और आप अच्छा गा सकती हैं, और जैसे कि दूसरे जजेस ने बताया आपको, मुझे पता है थोड़ा गाना डिफ़िकल्ट था और गाने के बीच में कई जगह माइन्यूट सी ऐसी बारीक बारीक थी जहाँ पे काम करा जा सकता था, और आपने कई जगह बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारी प्यारी मुर्गियों के साथ आपने गाने को सजाने की कोशिश करी, लेकिन कई जगह आपके सुर फीके लगे। विशेषकर जब भी म्यूज़िक ख़त्म होता है, आप स्टार्ट करती है, तो स्टार्टिंग जो है वो हमेशा आपकी वीक थी, बाद में आपने पिकअप किया, तब तक तो फिर थोड़ा सा वीक चला ही जाता है ना। तो कोशिश कीजिएगा आप स्टार्टिंग से ही सुर को पकड़ें और थ्रो को पकड़ें, मेन जो आपका थ्रो हमेशा वीक रहा, एक बार आपने थ्रो पकड़ लिया ना तो आप लास्ट तक अच्छा गाएंगी। अदरवाइज़ जैसे कि सर ने बताया, आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है। और थोड़ा सा फील मुझे कम लगा, थोड़ा सा परफॉर्मेंस की कमी लगी, हालांकि आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा था, आपका लिरिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन इसको और अच्छी तरीके से गाया जा सकता था और अच्छा निभाया जा सकता था। तो मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं, आपके लिए थैंक यू।
6 points. Thank you so much, Deepak sir. और आइए अब चलते हैं और पूछते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट फादर नॉबर्ट से कि उनको गरिमा की परफॉर्मेंस कैसी लगी। बहुत बहुत अच्छा लगा गरिमा की परफॉर्मेंस को देखकर। आवाज़ की बहुत अच्छी धनी है आप, आपको ईश्वर ने खूब बेहतरीन आवाज़ दी है, तासीर है आपकी ज़बान में, आपके सुर में। लेकिन शुरुआती दौर में जैसा कि आप थोड़ी नर्वस सी लगी मुझे और वो उठ नहीं पाई, लेकिन आप इसको और बेहतर कर सकती हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके साथ जो म्यूजिशियंस हैं वो आप वो किधर हैं और आप कहाँ हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब जो गायक है, जो सिंगर है, वो यदि अपने जो साथी जो आपको संगत कर रहे हैं उनके साथ तालमेल नहीं होगा तो कहाँ सुर जाएंगे, कहाँ ताल जाएगी, कहाँ संगीत जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बारीकियाँ हैं इस गाने में, इस गाने में बहुत गुंजाइश है इस गाने को सजने और संवारने के लिए। आपने कोशिश तो करी और मैं चाहूँगा कि आप और आगे बढ़ें, आपको ईश्वर बहुत आशीष दें कि आप बढ़ें। मेरी तरफ से आपको 7 points. Thank you so much, Father. तो दोस्तों गरिमा की परफॉर्मेंस को हमारे जजेस की तरफ से मिले हैं 27 points. इसी के साथ हम प्रे करेंगे कि गरिमा दोबारा हमारे सामने परफॉर्म करे और फाइनल्स में जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच गरिमा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली, आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़ें, मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-55-41-243 पर। साथ दें संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।
बैतलहम यहूदा की भूमि, तू यहूदा के किसी भी प्रमुख नगरों में से कम नहीं, क्योंकि तुझ में से एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम नगर में हुआ था जो जेरूशलेम के दक्षिण में स्थित है। तो आइए, हमें बैतलहम नगरिया को ले जाने आ रहे हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जेसन जेकब का। गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो। बैतलहम नगरिया को जाएंगे, ओरे भैया बैतलहम नगरिया को जाएंगे, दर्शन करने प्रभु धाम का, हम तो बैतलहम नगरिया को जाएंगे, ओरे भैया बैतलहम नगरिया को जाएंगे, दर्शन करने प्रभु धाम का, हम तो बैतलहम नगरिया को जाएंगे। जन्मा है मेरा मसीहा, माता मरियम के संग बसेरा, हो जहाँ जन्मा है मेरा मसीहा, माता मरियम के संग बसेरा, जो भी है कुछ हम चढ़ाएंगे, और भैया जो भी है कुछ हम चढ़ाएंगे, सब कुछ है प्रभु तेरे नाम का, हम तो बैतलहम नगरिया को जाएंगे, हम तो बैतलहम नगरिया को जाएंगे।
जाएंगे। आहा, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना लेकर आए थे जेसन। और अब हम जानना चाहेंगे हमारे जजेस से कि उनका क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले दीपक सर, आपसे जानना चाहेंगे। जेसन भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक तो आप सेमीफाइनल में आए हैं और दूसरा आज आपने पहले के मुताबिक बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। जैसे कि आपको मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, फर्स्ट के बाद सेकंड में भी आपको मैंने बताया था कि आप खुल के गाइए, क्योंकि आपका नेचर है थोड़ा सॉफ्ट गाने का, और इस गाने की डिमांड जो थी वो थोड़ा खुल के गाना था, क्योंकि ये फोक सॉन्ग है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो पिच था और जिस तरह की आवाज़ इसमें चाहिए थी, जो मॉड्यूलेशन चाहिए था, वो आपने लास्ट में एकदम परफेक्ट गा दिया। मैं बड़ा खुश हो रहा था और अचरज में भी आ रहा था कि ये जेसन भैया ये क्या, जो जिनको मैं पहले सुन चुका हूँ दबी दबी आवाज़ से, लेकिन अभी इस वक्त जो आपने परफॉर्मेंस दिया बहुत बहुत ही अच्छा था, मुझे अच्छा लगा और मैं झूम रहा था उसमें, मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा था, और मुझे विश्वास है जो भी इसको सुनेगा आपकी परफॉर्मेंस को वो सब खुशी मनाएंगे, इन्जॉय करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रिदम के अकॉर्डिंग, गाने के अकॉर्डिंग, लिरिक्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट था। अब रही बात सुरों की, तो हाँ, बहुत बारीक बारीक सुर आपके शुरू से लेकर लास्ट तक बीच बीच में गए आए, तो थोड़ा सा इस सुरों पे आप ध्यान रखिएगा तो आप और अच्छा कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छा गा सकते हो और आप अच्छा गाते हो, और भी अच्छा कर सकते हो, बस दो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पहला, नेक्स्ट टाइम कभी भी दबके नहीं गाना, खुल के गाओ, जो गाने की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग गाओ। दूसरा, जैसा कि कहा, सुर में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी तरफ से आपके लिए 7 points। थैंक यू सो मच दीपक। और आइए अब चलते हैं प्रदीप सर की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय है इस परफॉर्मेंस के बारे में। जेसन, अच्छा गाए और गीत आपने बढ़िया, अच्छा गीत चुना और मूड में थे, लेकिन मैं अगर कहूँ तो और खुल के गाते तो और अच्छा होता, और बेहतर कर सकते थे आप इसको, लेकिन ठीक है, और बेहतर करिए, कोशिश कीजिए। कई जगह जैसे सर ने बताया कि आपका सुर गया है, स्वरों पर बहुत ध्यान देना है। जब आप सही सुर में नहीं गाते ना, तो आप कुछ भी गा लीजिए, मज़ा नहीं आता है। तो जब अंदर तक नहीं जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अंदर कब जाएगा? जब सही सुर लगेगा, ठीक है। और फीलिंग्स और दीजिए, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आज के परफॉर्मेंस के लिए। मैं आपको ये नंबर, थैंक यू सर, 8 points। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। वैशाली ताई, अब हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसन जी, आपका जो सबसे बड़ा आज का एक पॉइंट है कि आपने गाना बहुत अच्छा चूज़ किया, क्योंकि कई बार मार्किंग जो होता है जजमेंट के लिए, और इसमें जो है आपके गाने का चॉइस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कभी भी, तो वो दर्शकों को भी और हमको भी झूमने के लिए मजबूर कर रहा था, और दर्शकों को भी करेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सारे म्यूजिशियंस के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए, सब ने बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और सुर तो वाकई बहुत बारीकी से गए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि आपकी टेंडेंसी वैसे सॉफ्ट है गाने की, जब आप किसी इस तरह के गाने को चुनते हैं जो कि फोक बेस्ड है, उसमें उस गाने की जो डिमांड होती है, तो हमको वो आवाज़ को ओपन अप करने के लिए या अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ता है, उसमें हमारा करेज नहीं हो पाता है कि हम वैसा कर लें, तो वो सुर भटकने की हमको जो डर लगता है कि मेरे ज़्यादा सुर ना चले जाए, शायद ये थॉट एक रहता है बैक ऑफ द माइंड, उसकी वजह से वो खुलापन नहीं आ पाता है, ऐसा कई बार मेरे देखने में आया है। तो जैसा गाना होगा उस तरह से आपको उसको गाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस हमको करना पड़ते हैं, और वो करना चाहिए भी, क्योंकि उस गाने की वो डिमांड होती है, क्योंकि हमने उसको चुना है। और सुरों का रियाज अगर आपका रहेगा तो आप
बराबरी से उस गाने में भी वैसा ही उसको निभा पाएंगे जैसे कि आप और किसी गाने में उसको कर लेंगे। तो लास्ट वाला आलाप जो था उसके शुरुआत में भी थोड़ा सा ओपन जब आप उस आलाप के साथ हुए तब वहाँ पर भी थोड़ा सुर गया, अगर वो थोड़े से सुर सज जाए तो और अच्छा होगा। आपके आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी आगे के लिए कि आपका सफ़र बहुत अच्छा हो और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए 7 points. Thank you, sir. Thank you so much, sir. और अब चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट फादर नॉबर्ट की तरफ और पूछते हैं कि उन्हें जेसन जी का परफॉर्मेंस कैसा लगा। जेसन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू फादर जी। सबसे पहले कि आपने इतना सुंदर गीत चुना, क्योंकि अब तक के सारे गीतों में एक दृश्य नहीं बन पा रहा था कि यीशु मसीह के जन्म लेने का जो संदेश है वो ग्वाल बालों के माध्यम से, चरवाहों के माध्यम से और नाव द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं वो झूम झूम कर नाच करके बैतलहम गए। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके इस गाने के साथ, क्योंकि एक लोक धुन पर बना हुआ है और लोग मतलब लोगों से जुड़ा हुआ, आम जन से जुड़ा, और उसको सुन कर कर और हम झूम उठते हैं। तो आपके गाने में एक उमंग थी, एक उत्साह था, एक झूमने वाली बात थी जो यीशु मसीह के जन्म के साथ हमारी इस दुनिया में उमंग लाती है, मुक्ति का एक दृश्य पैदा करती है कि ईश्वर स्वर्ग से एक मनुष्य की तरह इस धरती पर आया और उसने एक आशा का पैगाम दिया, एक शांति का पैगाम दिया। तो बहुत अच्छा गीत रहा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं म्यूजिशियंस को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये संदेश आगे जा रहा है। बैतलहम की छोटी सी नगरी ने विश्व के सारे लोगों को मुक्ति का एक संदेश दिया। छोटी छोटी बारीकियाँ जो संगीत की होनी चाहिए, गायकी की होनी चाहिए, वो मेरे साथियों ने बता दी और मैं आपके लिए सिर्फ शुभकामनाएँ दे रहा हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और यीशु मसीह की आशीष पाएं। और मेरी तरफ से आपके लिए ये है। थैंक यू फादर जी। 7 points. थैंक यू सो मच फादर। तो दोस्तों, जेसन जी के परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 29 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच जेसन जी। स्पॉन्सर अ प्रोग्राम इन आत्मदर्शन। प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप एट ₹10,000, अडोरेशन स्पॉन्सरशिप एट ₹10,000, क्रिएटिव एपिसोड्स विद कस्टमाइज्ड एडवर्टीजमेंट एट ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-55-41-24-3 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला।
आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़ें, मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-55-41-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।